नमस्ते। ओम परमेश्वर। ये सच्चाई है, जब कभी विधर्मी हम पर आक्रमण करता है, अमीर आदमी कभी आगे नहीं आता। थैंक्स भारत से प्रभावित होकर, और ये अचानक से आया कि गुरुकुल में पढ़ाना है। फिर हाँ, मेरे को ऐसे ही नंबर मिला था, तो मैंने फिर आचार्य ओम प्रकाश जी का नंबर दिया मेरे को। अच्छा अच्छा, बोला आप राजस्थान गए तो यहाँ। तो आप हैं कहाँ से? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डीडवाना से, राजस्थान में ही। राजस्थान से आर्ष गुरुकुल, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय अर्बुदा पर्वत पर है हम इस समय पर। और अभी अच्छा, ये आपका पुत्र है? तो आपका क्या नाम? जितेंद्र। मेरा नाम गणेश है और मैं नाइजीरिया से एक्चुअली जुड़ा था। अच्छा, नाइजीरिया से। तो बहुत पहले जुड़ गए थे। थैंक्स भारत से। थैंक्स भारत, शुरुआत से मैं बहुत, प्रारंभ से ही, प्रारंभ से 2017-18 हाँ, उसी समय से, उसी समय से। और तभी से कि बच्चे को पढ़ाना गुरुकुल में। और 2018 को मैंने एडमिशन करवा, अच्छा 2018 में एडमिशन करवा दिया। तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, और सदैव उन्नति करना, बहुत पुरुषार्थ और मेहनत करना, महर्षि दयानंद सरस्वती का और अपने पिता का, अपने गुरुओं का नाम ऊंचा करना। तो अभी दिखाएंगे गौशाला। अभी तो छोटे बछड़े हैं। गौ की सेवा ईश्वर की सेवा है। अर्बुदा पर्वत से हमारा ब्रह्मचारी गौ गुरुकुल का, क्या नाम है पुत्र? चेतन। ब्रह्मचारी चेतन, गौ समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो गुरुकुल की गाय, तो ये गुरुकुल अर्बुदा पर्वत पर आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, ये उसकी गौशाला है। बहुत सुंदर, अच्छा वातावरण है यहाँ पर, और आचार्यों के कारण फिर सात्विक वातावरण भी हो जाता है। केवल प्राकृतिक नहीं, आध्यात्मिक वातावरण भी सात्विक है, और प्राकृतिक तो है ही। क्या मेरे पास सूचना थी कि स्वामी जी यहाँ पर हैं? हाँ, मैं इधर आ जाता हूँ, साल में 4-5 महीने इधर लगा। अन्यथा तो कुरुक्षेत्र की। आपने कुछ चीजें ऐसी बढ़िया डाल रखी हैं, कुछ क्या आप तो सारी हैं, हर दिन का हम लोग उपयोग किया जी। आपने चांद मियाँ पर एक आपकी वीडियो है, चांद मियाँ, हाँ इस साई बाबा, क्या साई बाबा, हाँ साई बाबा पर एक वीडियो, तो वो मैंने सुनवाई। और आप आज सके पौराणिक घरों से उठा करके बाहर फेंकवा दीजिए कुरुक्षेत्र। धन्यवाद स्वामी जी आपका कि इतने बड़े कार्य आप। और एक वो आपने बहुत गजब की रिपोर्ट है ना, जो सिखों के संबंध में आपने बता रखी, बड़ा जबरदस्त है। सिखों वाला तो उस पे स्वामी थोड़ा कुछ हुआ था विवाद, आपके उस पे बहुत विवाद हो गया था, मुझे उसकी जानकारी नहीं। वहाँ गुरुद्वारों से भी तलवार और हथियार लेकर निकल गए थे कि इस बार हमला रे बचेगा नहीं, किंतु अपने आप जैसे स्वामी साधु सन्यासियों का आशीर्वाद बना रहा, कुछ मैं सुरक्षित रहा, कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है ना। हम ऋषि के पद पर हैं, ईश्वर की कृपा है, कुछ नहीं होता। और फिर ये है ना, जीते हैं सवारी मैदान जंग में, भौतिकल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सबसे ज्यादा खुशी है कि आपने इस पीढ़ी को लेके चलना चाहा, यानी देखो वो भी बहुत बड़ा काम है कि YouTube पर बहुत लोग डालते हैं और केवल वहीं तक सीमित, पर आप जो है ना वहां तक नहीं, आप मैदान में ये विशेष। धन्यवाद। ये स्वामी जी वैसे ये इसलिए विशेष हुआ क्योंकि मैं YouTube पे बहुत बाद में आया हूँ। मैं 2013 से जब मेरी मूछें यानी प्रारंभ हुई थी, तब से मैं मतलब धरातल पे था। तो वो तो 2017 में ऐसे ही मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो बच्चों ने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ डालना प्रारंभ करो, तो मैंने फिर अपना नहीं डाला, बच्चों की बनवाता था। नहीं, वो आपने मुझे एक बात बताई थी, जो मेरी आपकी बात हुई थी, तब आप कुछ लिख रहे थे, कोई पुस्तक, हाँ वो लिख रहे थे आप, और आपने ये बताया था कि मैं शाम को रोज आना उन बस्तियों में कहीं पढ़ाने जाता। बहुत सारे वो छोटे बच्चे हैं जो गुरुकुलों में नहीं आ पाते हैं, जो स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, तो वहां तक एक सेवा का प्रकल्प महर्षि जी ने प्रारंभ किया था। वो हर प्रकार से, चाहे वृद्धावस्था आश्रम हो चाहे गरीब, सबके लिए किया था। तो मैंने उन बच्चों को पकड़ा और मेरी टीम ने भी, और भारतवर्ष में भी जहां से नौजवान जुड़ता है एक ही कार्य सौंपते हैं, जो बस्तियों में बच्चे हैं, जो अच्छे से वस्त्र नहीं मिल रहे, भोजन, वहां पर जाना है हमें, वहां पर चले जाएंगे और वहां महर्षि का नाम यदि रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे,
तो निश्चित रूप से फल मिलेगा, क्योंकि बड़े होकर उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, हमारे विरुद्ध वही चाकू छुरी उठाएंगे। एक बात और भी है ना, हम छोटे कहते हैं ना, समाज में शब्द गलत चल गया, बिल्कुल, जिन्हें हम छोटी जाति के, छोटी तो वही नहीं, कभी नहीं था, हमारे यहाँ छोटा था ही नहीं, यहाँ तो चारों ओर बराबर थे, बस कोई छोटा बड़ा नहीं। पर चलो आज के भाषण के, ये सच्चाई है, जब कभी विधर्मी हम पर आक्रमण करता है, अमीर आदमी कभी आगे नहीं आता, वही आते हैं, बिल्कुल वही आते हैं, कटु सत्य है ना, कटु सत्य है। और संस्कृति की रक्षा बड़ा आदमी कभी नहीं करता, अमीर आदमी कभी नहीं करता, बिल्कुल वो करते, क्योंकि मैदान में आना जानते, वो हथियार उठाना जानते, और मरना जानते, मारना जानते, एकदम एक सिद्धांत तो है, दुनिया शक्ति के आगे झुकती है, इसमें बिल्कुल कोई उंगली रखने की, जब आपके साथ ताकत है, आपके साथ ताकत तक केवल युवा होता है, ठीक है ना, शक्ति युवा है, क्योंकि युवा को उल्टा करें तो वायु होता है, वायु के बिना कुछ भी नहीं चलता, बिल्कुल हम भी जी रहे हैं ना, तो वायु है तब हम बोल रहे हैं, तो युवा जो है ना, ये वायु है, प्राण है, युवा ही वायु है, युवा ही प्राण है, इसे हम भूलेंगे, जब आपके पीछे खड़े हैं ना, तो ये सारे के सारे वहां उन्हें ही लगेगा, यार ये कुछ कर रहे हैं, लोग हमें क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आएगी गैर। अभी ये जो स्थान है, इस आबू से ब्रह्मा कुमारी सारी दुनिया में छा सकती है, आबू कोई सामान्य स्थान नहीं, नाम नाम की बात कर, ठीक, आबू के नाम पर अगर वो दुनिया में छा सकते हैं, हम क्यों नहीं छा सकते, हमारा तो ऋषि का संबंध है यहां से, हमारे तो प्राण का संबंध है यहां से, हम क्यों नहीं छा सकते। इसलिए पता नहीं आचार्य ने चर्चा किया नहीं, करी करेंगे समय लेकिन प्रभु भक्ति।